ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा बाबू, मायोपिया का जस्ट उल्टा। इसमें क्या था, इसमें नजदीक की चीजें ठीक दिखती थी, दूर की चीजें दिखाई पड़ती थी। और नाम था क्या, नाम था क्या, निकट दृष्टि दोष। नाम था निकट दृष्टि दोष, और निकटे का चीज ठीक दिखता था, बात समझे ना। यहां पर देखिए ये हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। यानी कि यहां पर देखिए, यहां पर जो इसका नियर पॉइंट है आई का, नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसका इमेज यहां पर नहीं बन पाता है। लेकिन अगर डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस पर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका, उसको यह हाइपरमेट्रोपिक आई देख पाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी दो कॉज है। दो कॉज क्या, कि इसका आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर लेस हो जाना, बात समझे, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर लेस हो जाना, या फिर आईबॉल का छोटा पड़ जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है ना। ये क्या होगा, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हमने आपको बताया था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल मानते हैं उसको, और जो नियर पॉइंट से आती है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है, बाहर की तरफ निकलती हुई होती है। तो यहां पर देखो ये नियर पॉइंट से आ रहे रेज ऑफ लाइट को हमने डाइवर्जिंग बताया है, तो ये और ये भी क्या, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, मिलाएगा। लेकिन क्या होता है, इसका पावर कम हो गया है जिसकी वजह से ये आई के रेटिना पर ना मिलकर के रेटिना के पीछे मिल रहा है, जिसकी वजह से हम चीजों को नहीं देख पाएंगे, रेटिना के पीछे, समझे। दूसरा यहां देखिए, तो और वही अगर नियर पॉइंट से दूर रखते हैं तो क्या होता है, यह लेंस उसको अच्छे से कन्वर्ज कर पाता है और हमारे रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है ना, समझे ना। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको ठीक करने के लिए बाबू हम यहां पर देखिए, इसका कन्वर्जिंग पावर कम हुआ है ना, तो अलग से एक कन्वर्जिंग पावर का हम स्पेक्टलस यूज करेंगे चश्मा में लगा करके। यहां पर क्या करेंगे बाबू, ये कन्वर्जिंग पावर इसका कम हो गया है, तो क्या करेंगे कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो चश्मा यूज करते हैं उसमें क्या करेंगे बाबा, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस नियर पॉइंट से आ रहे ऑब्जेक्ट को, ये देखो ग्रीन लाइन से हमने दिखाया है, ठीक है ना, ये एन डैश है, ये एन डैश है, यानी कि नियर पॉइंट से दूर का डिस्टेंस है। यहां पर नियर पॉइंट से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो उसको यह लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना, और इतना कन्वर्ज करेगा ताकि एक बार जब इसका रिफ्रैक्टेड रे जाए तो वो रिफ्रैक्टेड रे को ये भी कन्वर्ज कर दे, और इस तरह से जब दो बार उसका कन्वर्जन होगा तो वो क्या होगा, वो जाकर रेटिना में मिलेगा। तो सुनिए इसका फिनोमेना समझ लीजिए क्या होगा, तो ई जो हुआ यहां पर कन्वर्ज किया, समझे ना, तो इसको यहां पर जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो अब इस आई के लिए लगेगा कि यह आई जो है ऑब्जेक्ट को यहां नहीं यहां पर देख रहा है, बात समझे ना। तो इस आई को लगेगा कि यह ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, यहां है, और तब वो क्या करेगा कि उसका इमेज हमारे रेटिना पर फॉर्म करेगा, और इस तरह से हम क्या करेंगे बाबू, हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करेंगे, समझी बेटा रिया। आप बोगा गोविंद मिश्रा, समझे ना। तो यहां देखिए अब एक इसका भी सर कैसे करेंगे कैलकुलेशन, चश्मा वाले के पास जाएंगे तो कैसे उसका, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि हम किस लेंस का, अरे सॉरी कितने पावर का लेंस हम यूज करें अपने चश्मे में, तो उसके लिए भी बाबू वही फॉर्मूला क्या होता है बुआ, 1/v - 1/u = 1/f, और यहां से f कैलकुलेट करेंगे ना। तो यहां पर क्या करेंगे बाबू, यहां पर u का वैल्यू हम कितना लेंगे, 25 सेंटीमीटर, समझे, और v का वैल्यू कितना लेंगे, तो v का वैल्यू वो वैल्यू लेंगे जो इस हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ बुआ, नियर पॉइंट बढ़ गया। यहां देखिए बुआ, ये इस आई का नियर पॉइंट बढ़ गया है, तो जो बढ़ा हुआ नियर पॉइंट है, यानी कि जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को ये बिना किसी चश्मे के देख पा रहा है, उसके वैल्यू को, उस डिस्टेंस को हम यहां पर लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, f का वैल्यू 1/f निकालेंगे, और f का जो वैल्यू आएगा, माने 1/f निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो f का वैल्यू मिल जाएगा, और जब f का वैल्यू मिल जाएगा उसको क्या करेंगे बुआ, हम लोग सेंटीमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, पावर ऑफ द लेंस। तो इस तरह से हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं, समझे ना।